स्वागत है आप सभी का डीआरबी न्यूज़ पर। मैं राहुल पांडे। कोरोना की स्थिति पूरे महाराष्ट्र में भयानक होती जा रही है, चाहे फिर बात करें आर्थिक राजधानी की या फिर महाराष्ट्र के अन्य जिलों की, जहां पर कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और संख्या दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। इसी बीच अस्पतालों से भी खबर है कि वहाँ बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, जिसके वजह से इलाज करा रहे मरीजों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। वहीं अगर बात करें मुंबई से सटे नाला सोपारा की, यहाँ पर स्थित विनायक हॉस्पिटल में 3 घंटे में के अंदर जो है 7 मरीजों ने अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के वजह से दम तोड़ दिया, जिसके बाद अस्पताल परिसर में परिजनों ने जमकर हंगामा किया और कई सारे आरोप जो हैं अस्पताल प्रशासन पर लगाए हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच मुंबई से लापरवाही की खबर सामने आई है। नाला सोपारा के आचोले रोड स्थित विनायक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से 3 घंटे में 7 मरीजों की मौत हो गई। मरीजों की मौत के बाद सोमवार रात उनके परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची तुलिंज पुलिस ने लोगों को समझा कर किसी तरह मामला शांत करवाया। उधर मुंबई में कोरोना को लेकर एक छोटी सी राहत की खबर यह है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 6,905 नए केस जो हैं रविवार को दर्ज किए गए सामने आए, जबकि इसी दौरान 9,037 लोग जो हैं कोरोना से ठीक भी हुए। हालांकि इसी दौरान 43 लोगों की मौत भी हुई। मरने वालों में नाला सोपारा के एक अस्पताल में भर्ती 7 मरीज भी शामिल हैं। दावा किया जा रहा है कि इन सभी की मौत सिर्फ 3 घंटे के दौरान ऑक्सीजन की कमी से हुई है। इस बीच परिजनों ने आरोप लगाया कि अगर सुबह ही डॉक्टर ऑक्सीजन की कमी की जानकारी दे देते तो हम मरीज को मुंबई या अन्य जगह ले जाते। इसमें डॉक्टर और अस्पताल की भारी लापरवाही है। मेरा आरोप यह है कि जब हम यहाँ लाए थे तो डॉक्टर हम लोग को एक ही चीज़ बता रहा है कि यहाँ पे उसको पल में भी कुछ हो जाएगा, मतलब ये पहले बता रहा था। तो हम लोग उसको यही बोल रहे थे कि आप हमको एक पॉजिटिव एक तो होप दो कि कुछ अच्छा हो, या तो डॉक्टर बोलना चाहिए ना आप यहाँ से शिफ्ट करो, नहीं ले जाओ। उन्होंने कहा वो 35,000 का इंजेक्शन लाओ, वो इंशाल्लाह सही हो जाएगा। हमने वो भी दिया, उसके बाद दूसरे भी इंजेक्शन जितने वो लोग ने बोले हम लोग ने सब उसको लगा दिए। अभी अगर कल मुझे फ़ोन पे, जैसे मैंने डॉक्टर से ही बात होती थी, मेरे भाई से तो नहीं बात होती थी, डॉक्टर से कहते थे, तो डॉक्टर कहता था हाँ आज सूप वगैरह आप लेकर आ जाओ। मैंने पूछा तो मैं आज वो लेकर आई, तो मुझे बोलते हम लोग दे देंगे थैली, आप घर जाओ। मैं बोली मैं जब इतना बॉम्बे से आई हूँ तो मुझे एक नज़र देख लेने दो, जाने ही नहीं दे रहे थे। बड़े मुश्किल से मैं ऊपर चढ़ी तो हमको बोलते कोई जेंट्स नहीं आया। मैं बोली जेंट्स क्यों आएगा, मैं उसकी बहन हूँ, मुझे बताओ आप। तो लोग ने डायरेक्ट मुझे खाली लेके गए और मुझे बताते कि इसका हार्ट बीट सही नहीं चल रहा है एंड पंपिंग करने लगे जैसा मेरे सामने। तो मैंने कहा कि क्या सिचुएशन है, मैं बॉम्बे निकलूँ जैसे मैं जाऊँ? तो कहने लगे नहीं आप आधा घंटा वेट करो। मतलब उन्होंने सुबह से हम लोग को किसी को एक को बताया भी नहीं, ऑफ हो चुका था, लेकिन उन्होंने हमको ज़रा भी नहीं बताया कि उसकी कंडीशन क्या है या किसी दूसरों को जैसा उन्होंने बताया ऑक्सीजन निकाल के बाद में पंपिंग, और यहाँ तक कि जब आदमी मर चुका है स्ट्रेट लाइन बता रही है तो वो हजाम मेरे को बोलता है कि ईसीजी निकालो। डॉक्टर है कि हजाम है मुझे नहीं पता है, मुझे बोलता है ईसीजी निकालो, मरे हुए पेशेंट का ईसीजी निकलता है। तो अगर मैं नहीं आई होती तो वही हुआ होता ना। मेरा नाम पिंकी वर्मा है, मेरे पापा की अभी डेथ हो गई है। उन्होंने 5 बजे बताया हम लोग को, इतना दिन से मेरे पापा सही थे। हम लोग कल मैं मिलने गई थी, कल ही उन्होंने मुझसे बात किया था, बोले मैं सही हो गया मुझे लेके चल। हम लोग बोले आज निकाल लेंगे करके। आज सुबह में जब मिलने के लिए आई तो इधर से मेडिकल से मैं दवा ली लेके ऊपर जा रही थी, तो उन्होंने क्या किया वो बोले कि ऊपर नहीं जा सकते अभी इमरजेंसी करके। उसके बाद में फिर हम लोग बोले ठीक है करके बाद में आते, तो उसके बाद में इन लोग फ़ोन करके मेरे भाई को मुझे बोलते हैं कि आ जाओ इमरजेंसी करके, पेशेंट की हालत ख़राब है। हम लोग आए इधर पे बैठे थे कब से, तो इन लोगों का ऑक्सीजन वगैरह का कुछ प्रॉब्लम चालू था, यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक जमा थी, किसी को जाने ही नहीं दे रहे थे इन लोग अंदर। फिर हम लोग ज़बरदस्ती करके अंदर गए, बोले आप लोग रुको 5 मिनट डॉक्टर आएंगे आपसे बात करेंगे। हम लोग रुके फिर गए, फिर पूछ रहे तो बार बार यही करे 5 बजे तक इन लोग ने, 3 बजे से लेकर 5 बजे तक हम लोग के साथ में ऐसा किया। फिर ज़बरदस्ती झगड़ा करके ये ऊपर गए देखने के लिए, तो बोलते हैं कि आपके पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल है, निगेटिव थे, लेकिन उनको उन लोग ने कोविड वार्ड में रखा था। ये सब डॉक्टर की लापरवाही है, क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से ही ऐसा हुआ है। मेरे पापा का होता तो अलग बात है, एक गए अलग बात, लेकिन 6-7 पेशेंट एक ही वार्ड में। यहाँ के
जो पेशेंट है, पेशेंट के रिलेटिव हमारे ऑफिस में आ गए और ऑफिस में हमको पूछा कि दादा हमारे पेशेंट विनायक हॉस्पिटल में एडमिट है तो हमको सपोर्ट चाहिए, ज़्यादा बिल भेजा है करके। तो हम बिल भेजने के हिसाब से हम लोग हॉस्पिटल में आने के बाद हमको मालूम पड़ा कि यहाँ 7 से 8 बॉडी डेड हो गई। तो यहाँ डेड होने का कारण है ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था, 2 और 5 के बीच में यहाँ ऑक्सीजन नहीं था। ऑक्सीजन के वजह से आज वसई विरार में रिद्धि विनायक में 3 और इधर 7 पेशेंट डेड हो गया। अपने भाई को गंवाने वाली मुंबई की शाहीन ने बताया कि हम जब अपने पेशेंट को यहाँ लेकर आए थे तो डॉक्टर ने हमसे कहा था कि उन्हें कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी है। उनके कहने पर हमने 35,000 का इंजेक्शन खरीद कर दिया। मैं अपने भाई को देखना चाहती थी लेकिन पहले मुझे उससे मिलने नहीं दिया गया, बाद में जब उनके पास गई तो उनकी डेथ हो चुकी थी और मॉनिटर पर स्ट्रेट लाइन दिखा रही थी। इसके बावजूद डॉक्टर नाटक करते हुए उसके चेस्ट पर पंपिंग करने लगा। मुझे नहीं पता वह डॉक्टर था कि हजाम था। वहीं वो हॉस्पिटल की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि जिन मरीजों की डेथ हुई है वे पहले से ही क्रिटिकल थे और कुछ अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित थे। हॉस्पिटल में जब उन्हें एडमिट कराया गया तो किसी में 30% और किसी में 40% ऑक्सीजन लेवल था। इस बात की जानकारी परिवार के सदस्यों को भी भली भांति थी। वसई विरार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल होने के कारण हम कभी भी किसी को भी पेशेंट को एडमिट करने से मना नहीं करते हैं। इस बात की जानकारी जिला प्रशासन को भी है। ये विनायका हॉस्पिटल वसई विरार तालुका का एक टर्शरी केयर सेंटर हॉस्पिटल है। हमारा टर्शरी केयर सेंटर होने की वजह से हमने पिछले 1 साल से यहाँ पे कोविड पेशेंट का इलाज कर रहे हैं और हमारे पास सब जो पेशेंट्स आते हैं छोटे मोटे हॉस्पिटल से ट्रांसफ़र किए हुए पेशेंट्स आते हैं जिनका कंडीशन पहले से ही क्रिटिकल होता है। उनको हम यहाँ पे जो पेशेंट्स आते हैं उनका किसी का ऑक्सीजन लेवल 30%, किसी का 40% और किसी के लंग्स में इन्फेक्शन, किसी का 70% लंग्स डैमेज हो चुका है, किसी का 90% डैमेज हो चुका है। हम इस एरिया में एक बड़ा हॉस्पिटल होने के कारण हम उनको मना नहीं करते। हम सोचते हैं कि हम अगर इस पेशेंट्स को हम नहीं लेंगे तो यहाँ से पेशेंट जाएंगे कहाँ। वसई विरार में हम ही एक हैं चूँकि क्रिटिकल पेशेंट्स हम जो एक्सेप्ट कर रहे हैं और वो पेशेंट्स को जो हमारे पास आज लगभग 60 डेथ हुई है हमारे ICU में, जो कि वो पेशेंट्स हमारे पास काफ़ी दिनों से एडमिट थे और पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल थी, जो कि उनके रिश्तेदारों को, उनके जो सबको अच्छे से समझाया गया था कि पहले दिन से ही आपका कंडीशन पेशेंट का ऐसा ऐसा है, जो क्रिटिकल पेशेंट्स को ही हम इंजेक्शन रेमडेसिविर, इंजेक्शन टॉसिलिज़ुमैब, प्लाज्मा थेरेपी, ये सब चीज़ें हम देते हैं और जो कि सब पेशेंट्स को लगभग लगभग बताया गया था और थोड़े बहुत पेशेंट्स को जिनको जैसे सुविधा हुई वैसे उनको दिया भी गया था, लेकिन उनकी बॉडी की प्रतिकार शक्ति कम होने के कारण और किसी पेशेंट्स की उम्र ज़्यादा होने के कारण, किसी पेशेंट्स को और जूनी बीमारी साथ में होने के कारण जैसे डायबिटीज़ हो गए, शुगर हो गए, ये सब बीमारियों के कारण उनकी बॉडी से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया और उन पेशेंट मरीजों की रिकवरी नहीं हुई, जिनके कारण ये आज 7 डेथ हुए हैं। नॉर्मली लास्ट 1 ईयर से हम कोविड के पेशेंट्स देख रहे हैं और हम क्रिटिकल पेशेंट्स में हमारे इधर डेली 2-3 पेशेंट्स की मॉर्टिलिटी होती है, जो कि प्रशासन को यहाँ पे अनुभव है इस चीज़ का। इस पूरी घटना के बाद नाला सुपारा के विधायक क्षितिज ठाकुर ने सोशल मीडिया के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि लोगों का आरोप है कि वहाँ ऑक्सीजन की कमी होने से 7 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। हालांकि विधायक ने अपने पोस्ट में 3 मरीजों की बात कही है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इससे जुड़ी हर जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए DRV न्यूज़ के साथ। नमस्कार।